इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। इस वीडियो में हम आपको चार ऐसे सेक्टर बताएंगे या चार ऐसे जगह बताएंगे जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको बहुत ही इन्वेस्ट करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा या आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। पहला इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्ट इन एसेट। दोस्तों, अगर आप सोने चांदी में या रियल इस्टेट में या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो इसे कहा जाता है इन्वेस्ट इन एसेट। जब आप किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ता है या आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो हो जाता है इन्वेस्ट इन एसेट। जब आप किसी बिजनेस में या किसी रियल इस्टेट में पैसा लगाते हैं तो वो बाद में बढ़ने का चांस रहता है, तो उसे इस प्रकार के इन्वेस्ट को कहते हैं इन्वेस्टिंग एसेट। दूसरा इन्वेस्ट है दोस्तों, दूसरा है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। दोस्तों, जब एक बार वॉरेन बफेट को पूछा गया कि सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्या है, तो उन्होंने कहा था कि सेल्फ अपने आप पर किया गया इन्वेस्ट ही सबसे बढ़िया इन्वेस्ट है। दोस्तों, जो दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ये आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मेकअप पर, आप अपने जूते पर, कपड़ों पर या अपने लग्जरीज पर खर्च करें। आपको अगर इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का असली मतलब समझना है तो उसका मतलब है कि आपको अपने ब्रेन पर काम करना है, आपको उन चीज़ों पर इन्वेस्ट करना है जिससे आपका ग्रोथ होता है, आप डे बाई डे इम्प्रूव होते हैं या फिर आप कुछ लर्न करते हैं। इसे कहते हैं इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जब आप इन्वेस्ट इन योर सेल्फ करते हैं, जब आप खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम काम आता है। दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट खत्म हो सकता है, डूब सकता है, पर आपने आप पर किया गया इन्वेस्टमेंट कभी भी डूब नहीं सकता, ये हमेशा आपको लाइफ टाइम काम में आता है। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं इन्वेस्ट इन कंफर्ट। अगर आपके पास पैसे हैं फिर भी आप कंजूसी से ज़िंदगी जी रहे हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। आपको अपने कंफर्ट पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप कार अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको कार खरीद लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पैसे को बचाने के लिए पैदल ही कोई काम करें या कुछ ऐसे प्रॉब्लम को रोज़ ही फेस करें जिसे आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। आपको अपने कंफर्ट पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। कंफर्ट पर इन्वेस्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप लग्जरी चीज़ों पर या शो ऑफ पर इन्वेस्ट करें। आपको उन बेसिक जरूरी चीज़ों पर या अपने ऐसे कंफर्ट पर मनी स्पेंड करना चाहिए जो आपके काम को आसान बनाए या आपके लाइफ को पहले से ही आसान बनाए। आपको ज़्यादा भी कंजूसी नहीं करना है। चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इन्वेस्ट इन फ्यूचर। आपको जो भी इस दुनिया का फ्यूचर दिखता है या जहाँ भी ऐसा कुछ दिखता है कि वो फ्यूचर में आगे बढ़ सकता है, जैसे इस टाइम पर बिटकॉइन चल रहा है या क्रिप्टो करेंसी चल रहा है, तो आपको ऐसे चीज़ों पर हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए जो फ्यूचर में आपको लगे कि बढ़ सकता है या आपको ऐसा लगे कि जिस चीज़ का फ्यूचर आगे बहुत बढ़ने वाला है, उन चीज़ों पर आपको ज़रूर खर्चा करना चाहिए। अपने मनी को फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का मतलब है जो भी चीज़ें या जो भी बिजनेस फ्यूचर में बढ़ सकते हैं, जो भी ऐसा स्किल जिसका फ्यूचर में डिमांड बढ़ सकता है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड पर हो सकते हैं, उन पर इन्वेस्ट करना ही इन्वेस्ट इन फ्यूचर कहलाता है। जब आप अपने हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी आपके ओवरऑल लाइफ स्पेन को बढ़ाता है, वो भी इन्वेस्ट इन फ्यूचर ही हो जाता है। तो हमने आपको चार ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताए जो आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्ट इन एसेट, दूसरा है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, तीसरा है इन्वेस्ट इन कम्फर्ट और चौथा है इन्वेस्ट इन फ्यूचर। धन्यवाद।